भारत का एक पुत बीते 9 अगस्त को अरब सागर में पलट गया। गनीमत रही कि डूबते वक्त पोत ने जो इमरजेंसी खोल दिया उसे गंभीरता से लेते हुए पाकिस्तानी टीम तत्काल मौके पर पहुंची और चालक दल के सदस्यों को रेस्क्यू किया। हादसे के दौरान जमुना सागर पोत में चालक दल के 10 लोग मौजूद थे, जिनमें से 9 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया जबकि एक की मौत हो गई। पाकिस्तानी नौसेना ने आज आधिकारिक बयान जारी कर दिया कि यह घटना 9 अगस्त को बलूचिस्तान प्रांत के तटीय शहर ग्वादर के पास घटी। पाकिस्तान नौसेना के जनसंपर्क महानिदेशक ने कहा कि नौसेना को पोत के डूबने को लेकर जानकारी मिली। इसके बाद पाकिस्तान समुद्री सूचना केंद्र ने निकट मौजूदा कमर्शियल पोत एमटी क्रूबेके से भारतीय पोत के चालक दल को आवश्यक सहायता प्रदान करने को कहा। बयान में आगे कहा गया, कमर्शियल पोत ने अनंत चालक दल के 9 सदस्यों को बचा लिया और उन्हें किनारे पर छोड़कर अपने दुबई बंदरगाह की यात्रा पर रवाना हो गया। इस दौरान 2 हेलीकॉप्टरों के साथ पाकिस्तानी नौसेना का एक जहाज भी उस क्षेत्र में पहुंचा और चालक दल के एक सदस्य के शव को ढूंढा जो पोत के डूबने के बाद लापता हो गया था। पाकिस्तानी नौसेना ने शव को बरामद कर लिया और आगे की कार्रवाई के लिए पाकिस्तान समुद्री सुरक्षा एजेंसी PMSA के अधिकारियों को सौंप दिया।